अरे राजू। हाँ मैडम। फटाक से पहले जाके नीचे का साफ कर लो, फिर ऊपर का साफ कर लेना, मुझे काम है, बहुत जरूरी है। नीचे आओ, फटाक से साफ कर दो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैडम जी, मैडम फटाफट साफ कर दो ये सब। मैडम क्या कर रही हैं? फेसबुक चला रही हूँ। अरे मैडम मेरा भी एक फेसबुक अकाउंट बना दीजिए ना। आपका फेसबुक अकाउंट नहीं है? नहीं अभी मेरा नहीं है। अच्छा अच्छा बना दूंगी, किसके नाम से बनाना है बोलो? कोई भी लड़की के नाम से बना दीजिए। क्या फेक आईडी? फेक आईडी क्यों? अरे मैडम बना दीजिए ना, हम बता देंगे आपको। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। लो तुम्हारा फेसबुक अकाउंट बन गया, अब बताओ डीपी किसका लगाना है? अरे मैडम कोई भी एक सुंदर लड़की का फोटो लगा दीजिए। क्या कोई भी सुंदर लड़की का फोटो लगा दूं? एक तो फेक आईडी बनवा रहे हो, ऊपर से फेक फोटो लगवा रहे हो, ऐसा कैसे? अरे मैडम आप लगा दीजिए, आप बना दीजिए, हम सब बता देंगे, सब बता देंगे आपको। चलो ठीक है। लो तुम्हारा फेसबुक अकाउंट बन गया, रेडी हो गया। मैडम दो चार लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए। हाँ वो भी जरूरी है। एक नाम अनिल कुमार को भेज दीजिए। अनिल कुमार जी। और एक वो एक संध्या को भेज दीजिए। संध्या संध्या और कोई? एक परी के नाम से भेज दीजिए। परी परी बस। राजू ये बताओ तुम्हारा आईडी तो बना दिया, पर फेक आईडी क्यों बनवाए? मैडम मेरा एक ही भाई है, दादी के बाद से वो मेरे से अलग रहने लगा। कुछ दिनों तक मैं उसके पास जाता रहा, लेकिन उसको बहुत बुरा लगता था। मना कर दिया, भैया मेरे घर पे मत आया करो, मेरी बेइज्जती होती है, इसलिए मैं वहाँ जाना बंद कर दिया हूँ, अब नहीं जाता हूँ। लेकिन मेरी एक भतीजी है और एक भतीजा है, देखने को बहुत मन करता है। इसलिए मैंने सुना है कि फेसबुक अकाउंट पर अपनी फैमिली की फ़ोटो और फंक्शन की फ़ोटो लोग शेयर करते हैं, इसीलिए मैंने ये फेक आईडी बनवाया। अगर मैं अपने नाम से आईडी बनाऊंगा तो मुझे ऐड नहीं करेगा, इसीलिए मैं फेसबुक पे फेक अकाउंट बनवाया। बड़े भाई का दिल कितना बड़ा होता है, छोटे भाई को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। राजू सब ठीक हो जाएगा। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हम अपने भाई और भतीजी को देख सकते हैं। नहीं राजू तुम हमारे घर काम करते हो, हम इतना तो कर ही सकते हैं, कूल डाउन, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है तुम्हारे भाई का फोटो और भतीजे का फोटो जब आएगा हम तुम्हें दिखा देंगे। ठीक है मैडम। ओके नमस्कार दोस्तों, मैं शर्मा कुमार गुप्ता। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ उद्देश्य ये है, आजकल के लोग अपनों से दूर होते जा रहे हैं और दूसरों को अपना मानने लगे हैं, ये पता नहीं क्या समस्या हो गई है। आज बहुत कम लोग ये बात बोलते हैं कि वो मेरा भाई है, वो मेरा छोटा भाई है, वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन 10 को अपने हिसाब किताब से दोस्त बना लिए हैं और बहुत गर्व से बोलते हैं कि वो मेरा दोस्त है यार, वो मेरा दोस्त है, वो फलाना मेरा दोस्त है। क्या उनको ये
नहीं बोलना चाहिए कि वो मेरा छोटा भाई है, वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन बहुत कम सुनने को मिलता है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि अपने भाई से ज़्यादा विश्वास लोगों को दोस्तों पे है। अपने भाई पे विश्वास नहीं है लेकिन दोस्तों पे इतना बड़ा विश्वास है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए, भाई भाई ही काम आएगा, दोस्त बाद में आएगा लेकिन भाई पहले आएगा।